हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। इंग्लिश का, जी हाँ, इंग्लिश का पेपर है 31 मार्च को, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आप लोगों के लिए ना केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हूँ, लगभग 70 to 80%, जी हाँ, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ उनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से लगभग 70 to 80% पेपर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और सेकंड पार्ट में जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं आपको एक एक चीज, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा एक मॉडल टेस्ट पेपर की हेल्प से कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इनकी लिस्ट बना रखी है, आप लोग नोट कर लें। इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहले है अ लेटर टू गॉड। इसमें से आपको लॉन्ग का भी क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और शॉर्ट में तो बहुत ही ज्यादा। अ लेटर टू गॉड, द 100 ड्रेसेस सेकेंड नंबर पे है, 100 ड्रेसेस। थर्ड नंबर कुर्ग, कुर्ग नाम का एक चैप्टर है आप लोगों का, कुर्ग। नेक्स्ट द ब्लैक एरोप्लेन, नेकलेस, द नेकलेस। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सेवन द थीफ स्टोरी। एट्थ भोली। एंड नाइन्थ नंबर द सैल्मन एट बनारस। ये 9 चैप्टर्स जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं किए हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं, हिंदी में इनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल इजी वे में, सरल तरीके से आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। और जो बच्चे नो डाउट बहुत बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, जो बच्चे 90 अबव का सोच रहे हैं, आप लोग आपकी वर्ड मीनिंग पे कमांड कीजिए। आपके वर्ड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके पेपर्स में मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये तो 9 हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पोएम्स में मैंने इसलिए डैश लगाया है क्योंकि आरबीएससी में इस बार जो पोएम्स आएंगे वो आपके पैसेज टाइप के आएंगे, और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं? देखिए, 4 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, जिनमें से फर्स्ट है 2 फ्रेंड एंड अ बियर, 2 दोस्त और 1 भालू वाली जो कहानी है, द लॉयन एंड अ माउस जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शेर और चूहे की। नेक्स्ट यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति होती है। इसमें 4 बैलों वाली जो है, 4 बुल्स वाली है ना, एक तो वो, और नहीं तो फार्मर एंड हिज 4 सन्स, वो दोनों में से कोई भी ये कह सकती है, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखिएगा। और अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस, ये 4 स्टोरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, स्टोरीज में हमेशा आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं, एक इजी आएगा और एक आपका टफ आएगा। तो मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर कराऊंगा स्टोरी भी कि अगर मान लीजिए स्टोरी आउट ऑफ द सिलेबस आ गया तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट ग्रामर वाले पार्ट में आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स। जिन बच्चों ने इसको पूरे साल नहीं पढ़ा है, रूल्स नहीं आता, ये 2 रूल्स पढ़ लीजिएगा, इंट्रोगेटिव टाइप और इनके सिंपल टाइप, मतलब इनके जो प्रश्नवाचक टाइप वाक्य उनको कैसे हल किया जाता है और जो सिंपल वाक्य होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से सारे मिल जाएंगे, और सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लें। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ लें, इनमें से आपको के क्वेश्चन जरूर इजी, 2-2 नंबर के हैं, इजीली आप इनमें से मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक COVID-19 जो भी चल रहा है, कोरोना वाला, सेकंड नेचुरल का कोई सीन दे दिया आपको, या फिर ट्रैफिक रूल्स। ये इनमें से ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 टॉपिक आपके पैराग्राफ राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये मैंने ईमेल का बॉक्स बनाया है, जब मैं ईमेल सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपके लेटर और ईमेल में से आप कोशिश करना कि ईमेल करें, क्योंकि जिन बच्चों की स्कोरिंग कम है, मतलब जिनको याद नहीं होता इंग्लिश में ज़्यादा, उनके लिए ईमेल बहुत ईजी वे होगा। मैं अभी आपको लास्ट में बनाना सिखाऊंगा, आप देखिएगा कैसे करते हैं। चलिए अब हम एक मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं। देखिए, एक मॉडल टेस्ट पेपर लिया है मैंने, इसको सॉल्व कैसे करें मैं एक एक टॉपिक से आपको स्टार्ट कराता हूं। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले इसमें पैसेज आएगा, ऐसे आपके पास एक पैसेज सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, पैसेज पढ़ते टाइम बिल्कुल शांत होकर के आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है कुछ भी। जैसे देखिए, ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया द बनियान ट्री इज यूनिक, मतलब जितने भी साउथर्न एशिया में ट्रीज हैं उनमें से बनियान ट्री सबसे यूनिक होता है।
नॉट ओनली फॉर द देखिए मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ, मतलब ना केवल इसकी ग्रोथ के कारण, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बट फॉर द एरिया ऑफ शेड, शेड मतलब जो ये छाया देता है, इट प्रोवाइड्स फ्रॉम द बर्निंग सन, मतलब जलते हुए सूरज से जो ये छाया हमें देता है। ऐसे ही पैराग्राफ को पढ़ के उसका मतलब भी समझना है। बहुत से बच्चे इसका मतलब नहीं समझते, वहीं पर वो मिस्टेक खा जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, इट क्लोज रिलेशनशिप विद द मैन has evolved over the years। इसका relationship जो है, जो संबंध है man's के साथ, बहुत सालों से चला आ रहा है। Make the banyan a most popular meeting place, a focal point of worship, पूजा भी करते हैं ना इनकी, एंड अ सोर्स ऑफ, मतलब इसका मीनिंग समझते जाना है आपको, ताकि आंसर्स करते टाइम देखिएगा कितना इजी हो जाएगा ये। एंड अ सोर्स ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल फॉर कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बिजनेस वेज में भी ये बहुत सारा इससे ऐसा मटेरियल निकलता है जो बिजनेस में भी काम आता है। नोन एज द स्ट्रेंगलर फिगर बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसकी अनयूजुअल मैनर होती है ग्रोथ की, मतलब बहुत तेजी से ये ग्रो करता है। द बनियान इज एन एपीफाइट और एयर प्लांट, एपीफाइट का मतलब होता है कि ये एयर जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। देखिए अभी आगे आएगा, हैज इट्स बर्थ इन द ब्रांचेस ऑफ अ होस्ट ट्री, मतलब जिस पेड़ में मतलब एक बनियान का ट्री है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें भी उगने की क्षमता होती है। एंड लीव्स ऑन अ एयरबोर्न मॉइस्चर, और जो एयर में जो मॉइस्चर है, देखिए एयरबोर्न मॉइस्चर मतलब हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका ये यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, बनियान सीड्स, इसके जो सीड्स होते हैं, आर डिपोजिटेड बाय बर्ड्स, बैट्स एंड मंकीज, मतलब ये लोग इसके जो सीड्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, उगाने में इसकी हेल्प करते हैं। इन द रिच सॉइल कलेक्टेड इन द क्रिवाइसेस ऑफ द होस्ट ट्री ब्रांचेस, मतलब होस्ट ट्री ब्रांचेस से जैसे फ्रूट्स के रूप में उसको खा लेते हैं, फिर उसको आगे बीजों को जैसे फेंक देते हैं तो उगने में हेल्प हो जाती है। बनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री है इंडिया का। द स्टेचर मे बी फ्रॉम, कितना होता है देखिए, 20 मीटर टू 30 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। इट इज़ सैक्रेट ट्री फॉर हिंदूज, ये हिंदूज के लिए क्या है, सैक्रेट ट्री है, मतलब पूजा करने योग्य है, पूजा करते हैं लोग इसकी। इट इज़ व्यूड एन इक्विवेलेंट टू ब्रह्मा, और किसके साथ इनकी मतलब इसको किसके बराबर माना गया है, ब्रह्मा जी के बराबर। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे इसके थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं। इट एसेंस एलिमिनेट्स डायबिटीज, थेरेप्यूटिक, ये जो थेरेप्यूटिक मतलब है मतलब बीमारियों में जो यूज़ होता है उसके लिए आया है। जैसे देखिए डायबिटीज़ में बहुत यूज़फुल है। इट्स एज इज़ गोज अराउंड 500 इयर्स, और इसकी एज लगभग कितनी मानी जाती है, 500 इयर्स की। अब हम आते हैं देखिए क्वेश्चन आंसर्स पे। इट इज़ अ यूनिक ट्री इन साउथर्न एशिया, इट इज़ अ यूनिक ट्री इन साउथर्न एशिया, कौन सा था। देखिए जब हम आंसर्स मैंने फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो उसी में देखिए ये आया था, देखिए ये रहा, इट इज़ साउथर्न एशिया ऑफ ऑल द ट्रीज साउथ एंड द बनियान ट्री इज यूनिक, बनियान ट्री आ गया, तो आप क्या करेंगे, ये रहा बनियान ट्री, आप इस पर टिक लगा देंगे, ये हो गया आपका बनियान ट्री। नेक्स्ट, दीज आर डिपोजिटेड बाई बर्ड्स बैट्स एंड मंकीज, जिन बच्चों को देखिए इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये जो वर्ड्स है ना ये ढूंढिए कहाँ हैं, अगर नहीं आपको सेंटेंस भी नहीं आ रहा पढ़ना, तो ये देखिए बर्ड्स बैट्स मंकीज कहाँ हैं वो आप इसमें देखेंगे। तो देखिए कहाँ है, हमने पढ़ा था ना वो बीज को फैलाने में हेल्प करते हैं, देखिए कहाँ गया बर्ड्स, ये देखिए बर्ड्स बैट्स मंकीज। तो बनियान सीड्स आर डिपोजिटेड बाय बर्ड्स बैट्स एंड मंकीज, तो बनियान सीड्स, तो आप किस पे टिक करेंगे, सीड्स पे, मतलब उसके सीड्स को ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, बनियान स्पिरिचुअल एंड फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी मेक इट स्पेशल, स्पिरिचुअल एंड और कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है इसकी जो इसको स्पेशल बनाती है। तो देखिए जब आप इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स में आएंगे, देखिए जब हमने यहाँ पर देखा था तो एक तो ये तो देखा है स्पिरिचुअल मतलब पूजा पाठ के लिए, कहाँ गए देखिए सैक्रेड ट्रीज आई गया, देखिए हिंदूज के लिए सैक्रेड ट्रीज भी है। देखिए इसमें हमने क्या देखा कि ये जो हमने देखा कि क्या दिखा रहा था, देखिए कि इसमें बनियान ट्री जो है वो स्पिरिचुअल भी है एंड फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इसकी, तो देखिए पॉइजनस तो ये है नहीं, पूरे में हमने पढ़ा है हार्मफुल भी कहीं नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा था ना थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक मतलब ये मेडिसिन वगैरह में काम में आता है तो ये थेरेप्यूटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बनियान हैज फिलिंग द ब्लैंक्स मैनर ऑफ ग्रोथ,
यूजुअली अनयूजुअल, तो देखिए मैनर ऑफ ग्रोथ, देखिए मैनर ऑफ ग्रोथ कैसा हो रहा है इसका, अनयूजुअल, देखिए अनयूजुअल, तो हमने अनयूजुअल पे टिक कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं देखिए इसके क्वेश्चंस पे, हाउ इज बनियान ट्री यूनिक, ये यूनिक कैसे है, तो देखिए ये कहां पर था यूनिक जब हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहां पर ये रहा यूनिक में, देखिए ये रहा यूनिक, बनियान ट्री इज यूनिक। अभी देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया द बनियान ट्री इज यूनिक, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से लेना है, नॉट ओनली फॉर द मैनर ऑफ इट्स, एक मिनट देखिए ये आ जाते हैं, मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ बट फॉर द एरिया ऑफ शेड इट प्रोवाइड फ्रॉम द बर्निंग सन। देखिए स्टॉप जहां पे आ गया बस वहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया। तो देखिए जैसे हमने लिखा इसमें, जब भी ये सेंटेंस आए, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर, तो यू आर एडवाइज, रिक्वेस्टिंग मैंने लिखा था, एडवाइज आप लिखिएगा इसकी जगह, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, यू आर एडवाइज टू, बाकी कंप्लीट ऐसे लिख दीजिए, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, बस यू आर एडवाइज टू, ये आपको इसके आगे मेंशन करना होता है। सेकंड वाला देखिए, द राजस्थान बोर्ड, देखिए द राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट हो गया, अवॉर्डेड वर्ब हो गया, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, तो देखिए द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ही आ गया, अवॉर्डेड सिंपल पास्ट को दिखाता है, तो सिंपल पास्ट इसमें किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, जब भी हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो ये प्लूरल को दिखा रहा है तो वर आ जाएगा, सिंगुलर होता तो वॉज, पास्ट कंटिन्यूअस मैंने कहा था ना टेंस चार्ट काम आएगा, देख लीजिए वर। अब जैसे ये वर आ गया, उसके बाद देखिए जब भी हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, तो जिन बच्चों को नहीं आता है फॉर्मेट याद रखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये नॉर्मल फॉर्मेशन है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब वर्ब क्या है मेरे पास, अवार्ड का, तो अवॉर्डेड, ये तो थर्ड फॉर्म है ही पहले से, अवॉर्डेड बाय, देखिए बाय सब्जेक्ट कौन सा है, द राजस्थान बोर्ड हो गया। तो ये फॉर्मेट सिंपल का है, आप इससे इजीली एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। अब देखिए अब हम कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट, जैसे फ्रेम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, देखिए नो द स्टूडेंट डिड नॉट मिसबिहेव, ये आंसर दे दिया, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है इसका, कि क्या स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, तो देखिए इसका डिड आगे ले आइए, ये रहा देखिए डिड, ये रहा द स्टूडेंट्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए पूरा सेंटेंस, बस नॉट हटा दीजिएगा, द स्टूडेंट मिसबिहेव, क्या किया मैंने, देखिए क्वेश्चन मतलब आंसर दिया है, नो द स्टूडेंट डिड नॉट मिसबिहेव, नहीं किया है मिसबिहेव, तो क्वेश्चन क्या बना, क्या स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, नॉट को हटा दीजिए, बस देखिए डिड, उसके बाद द स्टूडेंट मिसबिहेव, देखिए द स्टूडेंट मिसबिहेव, ठीक है। नेक्स्ट एड द क्वेश्चन टैग, जब भी प्लीज से स्टार्ट हो, डोंट टीज हर, जब भी ऐसे आपके स्टार्ट हो तो आप उसके आगे या तो विल या वुल नॉट लगाते हैं, तो देखिए विल लगा दिया, नॉट है ना, एन दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसके आगे क्या लगा सकते हैं, विल यू, क्वेश्चन मार्क है ही, ठीक है। और अगर आप वुल नॉट भी करना चाहें तो वुल नॉट यू भी कर सकते हैं, तो जब भी प्लीज आए तो ये विल, और अगर प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो यू इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स, द एयर वॉज ब्लोइंग, द काइट्स वर फ्लाइंग, वाइल या वैन, तो देखिए वैन तो समय को दिखा रहा है, यहां पे समय तो है ही नहीं कहीं ना, तो वाइल आएगा, वाइल द एयर वॉज ब्लोइंग द काइट्स वर फ्लाइंग, क्योंकि वैन तो टाइम को दिखा रहा था, वैन है ही नहीं, जब हवा चलेगी तो ही पतंग उड़ेगी, तो वाइल। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर स्टेट, फ्लिंग द ब्लैंक्स, द एनिमी नेशन ट्राइड टू डिप्राइव हर, क्योंकि इंडिया बन चुका है तो इसलिए येट, है ना, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर स्टेट येट इसीलिए, तो येट इसलिए आ गया सेंटेंस को जोड़ने में। इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग फाइटर प्लेन्स सैटेलाइट्स, देखिए प्लेन्स और सैटेलाइट्स दोनों नाम है, जब भी दो नाम आए तो बीच में एंड लगता है, प्लेन्स एंड सैटेलाइट्स। अब ये तो हो गया ग्रामर पार्ट, अच्छा आप ध्यान रखिए, मैं स्टोरी लिखना भी सिखाऊंगा और मैं आपको आंसर्स भी सिखा रहा हूं कि आंसर्स आप कैसे लिखेंगे, मैं एक आंसर आपको करके दिखाता हूं कि आप लोग वहां करेंगे कैसे। देखिए कॉपीज में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे उसकी कॉपीज भी मैंने रख रखी है, जैसे इसमें हिंदी में भी मैं थोड़ा सा, चलिए स्टार्ट करते, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द
कोडवू पीपल्स डिसेंट्स, मतलब ये जो कोडवू पीपल्स थे कहा नहीं आ रहा तो कुर्ग वाले चैप्टर में कि इनकी स्टोरी क्या है, स्टोरी मतलब ये कहाँ से आए और इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जिन बच्चों को साइंस इन क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है आज उनके लिए देखिए मैं ऐसा रामबाण लाया हूँ। देखो आप कैसे आंसर्स लिखेंगे, आप खुद आंसर्स लिखेंगे, देखिए कैसे मैं इसको हिंदी में पहले आपको लिख देता हूँ, इसी में लिख देते हैं अपन, नहीं तो वो पेजेस का फिर लाना पड़ेगा। देखिए जैसे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में से स्टार्ट करें आंसर, हमेशा ध्यान रखें। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इज एम आर वॉज वर्ब, इसके जस्ट आगे से शुरू कर दें, जैसे द स्टोरी यहां से स्टार्ट हो जाएगी, द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल डिसेंडेंट, अब यहां पे इज है ना इज, अब ये प्लूरल्स को दिखा रहा है, जैसे पीपल्स आ गया तो आर लगा दीजिएगा, बस इज की जगह क्या आ जाएगा आर। देखिए द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल, PEOPLES पीपल्स आर, ये देखिए फर्स्ट लाइन तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि आप हिंदी को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी आंसर्स को देखिए, मैं ये कॉपी है अपने पास, अपन कॉपीज में एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये कि ये जो लोग थे कौन से, ये जो कुर्ग में जो लोग रहते हैं कहां से आए थे, अरब से। तो आपने छोटे छोटे हिंदी में सेंटेंस बनाई, जैसे देखिए ये लोग तो देखिए ये लोग अफ्रीका से आए थे, तो ये लोग अफ्रीका से आए थे, तो ये सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए जब भी आप हिंदी में बनाते हैं तो वर्ब पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में बनता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या, ये लोग, तो इन लोगों को आप क्या लिख सकते हैं, दे वर्ड यूज कर दीजिए या दीज पीपल्स वर्ड यूज कर लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे, पीपल्स भी लिख सकते हैं, है ना। दे आए थे, कहां से आए थे, अफ्रीका से, तो दे कम का क्योंकि पास्ट है ना थे, तो जब भी आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो कम का क्या, दे केम कहां से आए थे, अफ्रीका से, फ्रॉम अफ्रीका, AFRIC अफ्रीका, ये आपका सेकंड सेंटेंस बन जाता, दे केम फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे ये किसकी आर्मी में थे, ध्यान है आप लोगों को, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे, अलेक्जेंडर के आर्मी में थे ये, वो थोड़ा सा वर्ड हार्ड हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लोग अपनी आर्मी के साथ आए थे, वापस से देखिए, ये लोग आए थे वर्ब, और ये पूरा किसको दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट को, तो वापस से देखिए, अब मैं इसमें ये ले रहा हूं, दीज पीपल आए थे, फिर वही आने को क्या कहते हैं, कम, तो केम, किसके साथ आए थे, अपनी आर्मी, आर्मी, तो अपनी को क्या लिखेंगे, दीज पीपल्स केम विथ, साथ में बोलते हैं विथ, साथ में विथ, तो दे दीज पीपल केम विथ देयर THEIR देयर आर्मी, वापस से देखिए, साथ के लिए विथ लिखा, विथ देयर आर्मी, तो देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सेकंड लाइन आपकी तैयार। ये आपको रफ में मन में आप कैसे बना के लिखेंगे वो बता रहा हूं, दे केम फ्रॉम अफ्रीका, दीज पीपल केम विथ देयर आर्मी, वो अपने आर्मी के साथ आए, है ना, और क्या हुआ, ये लोग यहीं पर रह गए, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये लोग यहीं पर रह गए, अब देखिए वापस से, ये लोग यहीं पर रह गए, सब्जेक्ट और सॉरी क्या आता है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ये लोग वही वापस से दे, वापस से दे लिख दीजिए, दीज पीपल, रह जाने को क्या लिखेंगे, लीव, तो फिर वही पास्ट की बात है, तो लीव्ड, दे लीव्ड यहीं पर को क्या बोलते हैं, हेयर, दे लीव्ड हेयर, ये यहीं पर रह गए। तो देखिए तीन सेंटेंसेस तो बन गए ना आपके, और आपके मोस्टली आप लोगों के जो वर्ड्स होते हैं 40-50 वर्ड्स होते हैं, तो लगभग आप 30 वर्ड्स तक पहुंच चुके हैं। और देखिए और इसमें क्या लिख सकते हैं कि जैसे इन लोगों ने यहीं पर शादियां कर ली, लोकल लोगों के साथ शादियां कर ली, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इन्होंने यहाँ के लोकल, मतलब हिंदी में सामान्य जो भी है, ये के लोकल लोगों से
शादी कर ली। अब देखिए, इन्होंने फिर वही सब्जेक्ट, करने को क्या कहते हैं वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो फिर वही दीज देखियो, दे लिख दीजिए, दे इन्होंने क्या किया, मैरिज शादी करी है ना, तो मैरिज दे मैरिज, अच्छा क्योंकि पास्ट है तो ईडी लगाएंगे हम, तो मैरिड कर दीजिए, दे मैरिड किसके साथ शादी करी इन्होंने, दे मैरिड विद द लोकल पीपल्स, इसमें और जोड़ सकते हैं, देखिए दे मैरिड वर्ब आ गया ऑब्जेक्ट विद द लोकल पीपल्स एंड सेटल्ड एस ई डबल टी, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, सेटल्ड हेयर, यहीं पर वो सेटल्ड हो गए। तो इस तरह से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस आपको टेंस चार्ट चाहिए जो आपके पीछे की तरफ मैंने, मतलब इस मेरे जो अपना जो ये वीडियोस हैं इसके बाद आप चैनल में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे अभी, इसके मैंने एक सेंटेंस तो यहाँ क्वेश्चन में से ही बना लिया, बाकी इसमें से, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, फिर वही देखिए पैसेज आएगा, पैसेज के वही क्वेश्चंस के आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, तो जो हमने स्टार्टिंग में पैसेज का किया था सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है, जो वर्ड्स हैं उनको आप पिक करेंगे, क्वेश्चंस पकड़ेंगे और आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें मैं अब पोएम वाले पार्ट में आता हूँ, क्योंकि ये पैसेज तो चलिए हमने पहले सॉल्व किया है, पोएम वाले कैसे सॉल्व करेंगे, मैं दोनों फॉर्मेट बता रहा हूँ, जिन बच्चों को आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। देखिए जैसे रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए फर्स्ट है, ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पासेस। तो देखिए हाउ डज अ टाइगर लीव इन हिज नेचुरल हैबिटाट। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि टाइगर कैसे रहता है अपने नेचुरल हैबिटाट में, तो ये देखिए ये सारी चीजें वैसे ही है। देखिए ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो, उसको क्या करना चाहिए, शेडो में से निकलते हुए आना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस बड़ी बड़ी ग्रासेस में से, मतलब उनको हिलाते हुए बाहर निकलते रहना चाहिए, नियर द वॉटर हॉल, है ना। तो ये जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए, तो ये रही टू लाइंस आपके पास आंसर्स हैं, लेकिन जिन बच्चों को सेंटेंस मेकिंग आती है तो आप सेंटेंस लिखिए, कैसे लिखेंगे देखिए, टाइगर कहाँ रहता है, हाउ डज अ टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। फिर वही देखिए क्वेश्चन में से कैसे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद से, यहाँ से अ टाइगर क्योंकि प्रेजेंट में है तो एस लगा दीजिए सिंगुलर के साथ, अ टाइगर लिव्स इन हिज नेचुरल हैबिटेट वेरी फ्रीली, कैसे रहता है, बहुत ही फ्री से रहता है, वेरी फ्रीली एंड ही should be lurking in the shadow and sliding through the long grasses, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर्स हो गया, इसको आप आपकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज अ टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल, कहाँ से खाना मिलता है, फिर क्वेश्चन में से देखिए, अ टाइगर डज है तो फिर सिंगुलर में SIS, अ टाइगर गेट्स हिज फूड इन द जंगल बाय, कहाँ पर मिलता है उसको देखिए, बाय किलिंग द पंप डियर, किसको मार के, प्लम्प डियर को, जो कि कहां पे रहते हैं, नियर द वॉटर होल। ये मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस बनाया, जो बच्चे बना सकते हैं, जो नहीं बना सकते देखिए वो उनका आंसर कहां है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फूड खाना कहां मिलेगा, तो नॉर्मल सी चीज है, शेर क्या खाएगा, डियर हिरनों को खाएगा, ये देखिए सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये रहा, नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पासेस, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया, जो बना के लिख सकते हैं उनके लिए देखिए, अ टाइगर गेट्स हिज फूड इन द जंगल बाय किलिंग द प्लम्प डियर्स हु आर पासेस नियर द वॉटर होल, जो कि वॉटर होल के पास से जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली आंसर्स ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में से लिखना देखिए, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आगे से स्टार्ट कर देंगे। सेम देखिए अमांडा वाला चैप्टर है, इसमें क्या पूछ रहे, देखिए व्हाई डज अमांडा मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, क्यों इंस्ट्रक्ट कर रही है वो अपने चाइल्ड को, क्योंकि वो क्या कर रही है अमांडा, देखिए डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मतलब वो अपने नेल्स खा रही है ना, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, वो अपने शोल्डर्स को बार बार ऊपर नीचे कर रही है, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है सीधे बैठो, ऐसे झुक के मत बैठो। तो मतलब why does Amanda mother instruct the child, तो देखिए क्वेश्चन में से Amanda mother instruct the child क्यों दे रही है, because देखिए वो क्या कर रही है, because she, Amanda कौन है, लड़की है ना, because she bite your कौन है, Amanda का क्या हो जाएगा, her, तो she bite her nails, यहाँ पे H-E-R her कर देंगे, she bite her nails, और क्या कर रही है, hunch her shoulder,
हंच योर बस हर में चेंज हो जाएगा, हंच हर शोल्डर एंड स्लॉचिंग। ये तो जिनको सेंटेंस बनाना आता है, जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, नहीं आ रहा देखिए, बिकॉज क्या लिखेंगे, शी बाइट नेल्स, योर छोड़ दीजिएगा, बाइट नेल्स, हंच शोल्डर एंड स्लॉचिंग, वो क्या क्या कर रही है वो सारे वर्ड लिख दीजिए। नेक्स्ट मदर अब क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, देखिए व्हाट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अमांडा इन दीज लाइन्स, क्या क्या मदर क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है, डोंट बाइट योर नेल्स। तो क्वेश्चन में से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते, देखिए इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अमांडा इन दीज लाइन्स आर, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत खाओ, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप, ये किए आ गया। तो क्वेश्चंस को सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस में हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर्स लिख पाते हैं। फिर देखिए ये वही लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस भी आए हैं आपके, तो आपको मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने आंसर्स लिखना सिखाया है, कैसे आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं, देखिए नेकलेस वाले चैप्टर में से भी आया है, तो पहले आप उनको पढ़ें, फिर हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और फिर उनको ट्रांसलेट कर दें। अब ये देखिए, ये आपके पास एक लेटर का आया है ऑप्शन और एक आया है आपका ईमेल का। मैंने पहले भी कहा था हम ईमेल को प्रेफर करेंगे, तो देखिए ईमेल का मैंने स्टार्टिंग में जो बनाया था प्रोसेस, हम उसी में सॉल्व करते हैं। इमेजिन यू आर अनीता अंशु ऑफ क्लास 10th, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन। देखिए इमेजिन यू आर अनीता और अंशु, आपको खुद को क्या इमेजिन करना है, अनीता या अंशु ऑफ क्लास 10th, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर, फॉर्मल ईमेल लेटर लिखना है टू द, किसको लिखना है देखिए, एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे। कहाँ का है ये, राजस्थान टुडे मैगजीन का एडिटर है, एडिटर समझते हैं ना, उसका जो हेड होता है उसको एडिटर वर्ड बोला जाता है, एडिटर टुडे एट द ईमेल आईडी। अब देखिए उसका ईमेल आईडी भी दे रखा है हमें, क्या है ईमेल आईडी देखिए, एट द ईमेल आईडी लेटर्स ये स्टोरी डायरेक्ट एट द एट राजस्थान डॉट कॉम फॉर पब्लिशिंग। अच्छा किस लिए लिख रहे हैं हम, देखिए फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। अब देखिए इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा है ना ऐसा एक ईमेल का एक बॉक्स बनाएंगे, देख रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 फोर पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में CC, देन BCC और फिर सब्जेक्ट, ये एज इट इज लिख दीजिएगा, यही 2 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है, 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो देखिए एज इट इज आ जाता है। 2 का मतलब होता है आप किसको लिख रहे हैं, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें किसको लिखना था, देखिए मैंने अभी बताया था ना मंथली, ये देखिए मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे एट द ईमेल आईडी दे रखी, देखिए ये रहा लेटर, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही लिख दीजिए इसके अंदर, LETTER क्या है, लेटर STOE डाइटर एट द स्पेलिंग जो भी है वो आपको देख के लिख लेना है, इसमें से कोई इशू नहीं है, राजस्थान टूडे डॉट कॉम, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी है ना ये रही, ये मैंने यहाँ पर 2 में लिखना है, ठीक है। CC BCSC आपको छोड़ देना है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हैं, देखिए उसने आपको वैसे ही हेल्प दे दी, देखिए फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, ये पूरा यहाँ से लेकर के फॉर ये पूरा आपको लिख देना है, देखिए ये जो है ना फॉर पब्लिशिंग से लेकर के यहाँ प्रिपरेशन एग्जाम्स तक, भाई किस लिए लिख रहे हैं, ये आपके पास मटेरियल आ गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आप जो मटेरियल स्टार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए फिर वही चीज़ हिंदी का इंग्लिश बनाना आना चाहिए, जिनको नहीं आता सेंटेंस बनाना, इसमें करना क्या था, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे ईमेल आईडी फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, कि भाई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो पब्लिश किया करें, यही लिखना है ना। तो सबसे पहले देखिए सर, आप चाहें तो खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है ना, जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे माई सेल्फ, क्या क्या लिख, कौन है आप, जैसे जो भी नाम है आपका, देखिए इसमें जैसे उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया, 2 नाम थे ना हमारे पास, ये देखिए 2 नाम था ना, खुद को क्या मानना था, अंशु और एक और था, कहाँ गया राइटर लेटर, कहाँ गया अंशु, इरा अनीता और अंशु, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी नाम मानना चाहें, तो माई सेल्फ अंशु स्टूडेंट
ऑफ क्लास 10th, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, ये भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए, राजस्थान बोर्ड। फिर हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो कैसे लिखेंगे, हमारे एग्ज़ाम, तो आवर एग्जामिनेशन, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आवर एग्जामिनेशन, बहुत पास हैं, आवर एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर, ठीक है, हमारे बहुत पास में हैं, इसीलिए हमें मॉडल टेस्ट पेपर की ज़रूरत है, इसीलिए, तो क्या लिखेंगे, सो वी नीड मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए। अब उसके लिए आप इसको क्या बोलेंगे कि आपकी जो मैगजीन है वो क्या करे, मॉडल टेस्ट पेपर्स रूटीन में पब्लिश करती रहे। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में ही है, देखिए ये रहा मॉडल टेस्ट पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, तो इसमें से लिख दीजिए, सो आई वॉन्ट दैट, आप क्या चाहते हैं, सो आई वॉन्ट दैट योर मैगजीन, आपकी मैगजीन है ना, मतलब उनको हम बोल रहे हैं ना, योर मैगजीन शुड पब्लिश, क्या पब्लिश करे, देखिए क्वेश्चन में से ये पब्लिश मॉडल, पब्लिश क्या पब्लिश करे, मॉडल, उसमें देखिए उसी में से है क्वेश्चन में से, मॉडल टेस्ट पेपर फॉर प्रिपरेशन, जो आपने सब्जेक्ट में जो लिखा था ना वो का वही, देखिए मैं यहीं से लिख रहा हूँ, देखिए ये मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ, फॉर द प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, और जैसे ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा तो आप उसके लिए भी बन, मतलब आप सेंटेंस जितना चाहे आप ले जा सकते हैं, लेकिन ईमेल में आपको शॉर्ट में मटेरियल लिखना होता है, 4 to 5 लाइन सफिशियंट होती है। बस अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, काइंडली लिख दीजिए, काइंडली उनसे बोलेंगे ना, काइंडली प्लीज़, काइंडली लिख दिया तो प्लीज़ की वैसे ज़रूरत नहीं है, काइंडली पब्लिश मॉडल टेस्ट पेपर As soon as possible, ठीक है, फिर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे योर ट्रूली लिख सकते हैं यहाँ पे, योर ट्रूली नाम अंशु, अगर आपने अंशु लिखा है तो अंशु, नहीं तो आपने जो भी लिखा है, क्या नाम था एक और, अनीता, तो अनीता लिख दीजिए। तो इस तरह से देखिए 2 CCBC सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रिंसिपल को लिखने के लिए आएगा, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग का बताया है खुद को इंट्रोड्यूस करने का, वो आप उसमें लिख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक में एक और आपको समझा देता हूँ, स्टोरी राइटिंग का। देखिए स्टोरी राइटिंग में बाई चांस मान लीजिए अगर स्टोरी बाहर से आ गई, या जिन बच्चों को स्टोरी याद नहीं होती है तो वो क्या करेंगे, तो सबसे पहली लाइन तो आपको स्टोरी में जो जाते ही आपको लिखना है वो ये लिखना है, देखिए Once upon UPON, once upon a time, there were, अब देखिए अगर दो फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं इस स्टोरी को ले रहा हूं, टू फ्रेंड्स एंड अ बियर हैं, तो देयर वर टू फ्रेंड्स, या देयर अगर एक ही होता तो देयर वॉज अ फ्रेंड, अगर एक होता तो टू है तो वर, ये फर्स्ट भिड़ते लाइन लिख देनी है। जिन बच्चों को आता है वो तो स्टोरी लिख लेते हैं, जिनको नहीं आता फिर वही स्टोरी हमेशा आप दो टेंस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, या कंटिन्यूअस जिसमें सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। अब मैं सिर्फ इसमें फिलअप फिल करना सिखा रहा हूं आपको, देखिए क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है वही बच्चे ज्यादा परेशान होते, तो देखिए ये लिख लिया, टू फ्रेंड्स ट्रेवल टू अर्न मनी, वंस अपॉन अ टाइम देर वर टू फ्रेंड्स, ये लिखे हैं, देखिए टू फ्रेंड्स तो आई गए इसी में, अब ये ट्रेवल है तो टू फ्रेंड तो सब्जेक्ट हो गया, ट्रेवल वर्ब है ही, तो लेकिन पास्ट में लिखेंगे तो उसमें ईडी लगा दिए, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड टू अर्न मनी, ये आपका एक सेंटेंस यहां से क्लियर हो गया। फिर देखिए थ्रू फॉरेस्ट, अब वो जा रहे होंगे ना फॉरेस्ट में से, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम मान लीजिए दे सब्जेक्ट कौन है, यहां पर दो फ्रेंड हैं, तो देखिए थ्रो क्या हो गया वर्ब, तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे, दे,
अब मैंने क्या कहा था कि या तो सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, तो दे के साथ क्या लगा देंगे, वर, क्योंकि प्लूरल है, दे वर पास थ्रो फॉरेस्ट, पास थ्रो भी लिख सकते हैं, जा रहे थे ना जंगल में से, तो दे वर अब पास्ट थ्रो अ फॉरेस्ट, जंगल में से वो जा रहे थे। अब वहां पर बहुत, देखिए वाइल्ड एनिमल्स, तो वहां पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होंगे, तो देयर वर मैनी, देयर वर मैनी क्या होंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स। जहां पर देखिए बस आपको ये देखना है कि वो किसकी बात कर रहा है, जैसे देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स कहां पे होंगे, इन द जंगल, आप इसको और ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर एनिमल्स लिखने के बाद देखिए दे, यहां पे ये देखिए पूरा सेंटेंस क्लियर है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दे प्रोमिस्ड, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, कब हेल्प करेंगे, अगर आपको आता है तो आप ये लिख सकते हैं ना, इन इन डिफिकल्टीज, क्या प्रॉब्लम में, इन देयर प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, इन देयर प्रॉब्लम्स। अब ये देखिए वन क्लाइंब अप अ ट्री, उसने सीधे दे दिया वन क्लाइंब अप अ ट्री, तो इसके लिए थोड़ा हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस हम इसमें क्या बना सकते हैं, जैसे अचानक से एक भालू आ गया, तो देखिए सडनली, अचानक को क्या कहते हैं, सडनली अ बियर, बी ई ए आर, बियर कम का क्या हो जाएगा, केम देयर, वहां पर आ गया। अच्छा, स्टोरी में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हेडिंग लिखनी होती है, तो आप स्टोरी की एक बार हेडिंग जरूर लिखें। ये ट्रेन की आवाज आ रही होगी, एक्चुअली अपने कोचिंग के पास से ट्रेन जाती है तो इसलिए आवाज आ रही होगी आपको, तो ये आप हेडिंग जरूर लिखें और इसका लास्ट में मोरल जरूर मेंशन करें। तो देखिए सडनली अब बियर केम देयर, अचानक से भालू आ गया, तो देखिए वन फ्रेंड रन एंड क्लाइंब अप अ ट्री, वन देखिए वन लिखा हुआ है यहाँ पे, वन कौन है फ्रेंड, तो वन फ्रेंड क्लाइम्स दे रखा है, तो उसका क्या क्लाइम्ड, ईडी, जिनको नहीं आता वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी लगा देना वर्ब में, वन क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक तो पेड़ पे चढ़ गया, अनदर द अदर डज नॉट नो, अब देखिए इसमें दे रखा है द अदर डज, डज का क्या हो जाएगा डिड, पास्ट में डिड, द अदर डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, क्लाइंब अप अ ट्री, उसको क्या नहीं आता था, पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, डेंजर देखिए डेंजर लाइफ, अब डेंजर किसकी लाइफ पे आ गया, उस दूसरे वाले फ्रेंड पे आ गया ना, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, हिज लाइफ, उसकी लाइफ डेंजर में थी, तो हिज लाइफ इन डेंजर, हिज लाइफ वॉज, क्योंकि पास्ट में, तो वॉज इन डेंजर, ये डेंजर पे सेंटेंस बना दिया कि उसकी जिंदगी खतरे में थी। अब देखिए सो ही lies का क्या हो जाएगा, ईडी मैंने कहा था ना डी, सो ही lied ऑन द ग्राउंड, वो क्या करा ग्राउंड पे सो गया, बियर, अब देखिए बियर स्मेल, तो बियर पहले आएगा तभी तो स्मेल करेगा, बियर केम, यहां पे ऐसे लिखना, यहां पे क्या लिखेंगे देखिए, बियर केम एंड स्मेल, केम कम का केम हो गया, केम एंड स्मेल हिम, उसको सूंघा उसने, क्या हुआ, अब देखिए थिंग्स, ये फिर वर्ब है तो सब्जेक्ट, किसने सोचा कि डेड है, बियर ने, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बियर थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट, सेकंड फॉर्म टी एच ओ यू जी एच टी, थॉट, देखिए वापस से, बियर थॉट ही इज डाइड, कि क्या है, ही वॉज डाइड, कि क्या हो चुका है, ये मर चुका है, सो बियर लीव्स दे रखा है, तो लीव्स की जगह क्या होगा, लीव्ड, लीव्ड दैट प्लेस, द बियर भालू चला गया, द बियर लीव्ड दैट प्लेस, वो वहां से चला गया। अब है नेवर रिलाय ऑन फॉल्स फ्रेंड, ये अब इससे पहले क्या हुआ होगा, उसका फ्रेंड नीचे उतरा होगा, उसने पूछा होगा उससे, तो देखिए नाउ द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन, वो नीचे आया, तो देखिए नाउ द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन, नीचे आया एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, पूछने को क्या लिखेंगे, एंड आस्क्ड हर, देखिए नाउ फर्स्ट फ्रेंड केम एंड आस्क्ड, और क्या पूछा होगा उसने, एंड आस्क्ड व्हाट डिड द बियर सेड टू यू, क्या कहा आपसे, द फ्रेंड रिप्लाइड, फ्रेंड ने उत्तर दिया, द फ्रेंड रिप्लाइड, रिप्लाइड क्या रिप्लाइड देगा, देखिए नेवर रिलाय ऑन फॉल्स फ्रेंड, नेवर रिलाय ऑन फॉल्स फ्रेंड। तो अब
यही, अब ये देखिए ये जो स्टोरी बनाई, मैं समझ रहा हूँ जिन बच्चों को सेंटेंस नहीं आता कि सर ये तो आपने तो लिख दिया, हम कैसे लिखें। कोई बात नहीं, जैसे मैंने फिलअप्स किया आप ऐसे तो कर सकते हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो एग्जामिनर 2.5 तो देगा। जिन बच्चों को स्टोरी लर्न करने में सेंटेंस बनाना आता है तो देखिए कितना ईजी है। तो इसी तरह से जैसे ट्रैफिक रूल्स का है या आपके पिक्चर कंपोजिशन है, इनमें जो मैंने देखिए क्वेश्चन आंसर में जो हिंदी का इंग्लिश बनाना सिखाया था वो ज़रूर एक बार आप लोग कर लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम और भी बहुत अच्छे से अच्छे हों, और सभी एग्ज़ाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस लेकर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच।